हेलो स्टूडेंट्स बेटा, आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं एटम्स। देखिए बेटा, एटम जो वर्ड था इसकी ओरिजिन जो है बेटा लैटिन वर्ड एटमस से हुई, ए टी वाई एम ओ एस। एटमस की मीनिंग होती है बेटा अनकट, अनकट मींस इंडिविजिबल, जिसे डिवाइड न किया जा सके। मींस बेटा ये किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये बेटा ओल्ड कॉन्सेप्ट था, माना जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। समझिए जैसे बेटा एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को बनाने वाले बेटा इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ब्रिक्स ईंटें, वैसे बेटा किसी भी एलिमेंट को बनाने में बेटा सबसे जो मेन रोल होता है वह एटम्स का होता है। ये देखिए बेटा एटम्स जो होती है ये कंबाइन क्या करती है, एटम्स एटम एटम्स कंबाइन करके बेटा बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। फिर बेटा मॉलिक्यूल्स, अब जैसे देखिए बेटा आप क्या करते हो, बायो पढ़ते हो, सेल्स सेलुलर लेवल पे पहुंचते हो, तो सेलुलर लेवल के पहले भी बेटा जो कहते हो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, उससे पहले बेटा एक छोटी फंक्शनल यूनिट होगी स्ट्रक्चरल यूनिट जिसे हम क्या करेंगे एटॉमिक लेवल। तो एटम्स कंबाइन करके बेटा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए एटम्स क्या है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर ओवरऑल देखा जाए बेटा तो एटम्स आर टीनी टीनी स्फेरिकल पार्टिकल्स। ये बहुत ही छोटे बेटे, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटे रूप से बेटा, इनको क्या कहते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एटम्स आर टीनी स्फेरिकल पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मीन्स बेटा इनके ऊपर क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। मीन्स जैसे आप ये देखेंगे वे एटम्स जितने भी होंगे बेटा वो क्या होंगे, मैं लिख दिया सोडियम एटम तो ये एन ए होगा, सोडियम एटम चार्ज में। लेकिन अगर बेटा ये क्या किया एन ए प्लस लिखा, ये क्या होगा, ये एटम नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज द आयंस। ये सीएल क्लोरीन एटम्स है, ये क्या है बेटा सीएल माइनस ही क्लोरीन आयन, तुम जानते हो कैटायन और एनायन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन होंगे। कहने का मतलब एटम्स जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, लिक्विडली न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। अब देखते हैं बेटा ये एटम्स, देखिए बेटा एटम्स जो होते हैं, अब मान लीजिए कि क्या है क्लोरीन एटम, ये दूसरा क्लोरीन एटम, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लिए सीएल टू। ये हमारे पास क्या था बेटा, दो एटम थे, क्या था क्लोरीन एटम्स, ये कंबाइन करके क्या बना बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। अब बेटा आप जानते हो कि जब भी कोई स्फीयर होता है बेटा इसकी साइज को आप किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, अगर पूछा जाए कि कौन से ये दो स्फीयर्स हैं फर्स्ट और सेकेंड कौन सा स्फीयर बने, तो आप बताओगे बेटा सेकेंड बढ़िए देख के। अगर बेटा यहां पे नहीं हमें बताया कि टू स्फीयर एक की रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर और दूसरे की 5 सेंटीमीटर तो कौन सी सर्किल बड़ी है, तो आप बताओ बेटा जिसका रेडियस ज्यादा हो। मीन्स हम कोई भी स्फेरिकल चीज हो उसके साइज को बेटा बता सकते हैं इन द टर्म ऑफ रेडियस। तो बेटा एटम्स क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो बेटा ये एटम्स क्या करते हैं, एटम्स स्फेरिकल है तो हम बेटा इनकी जो साइज होगी लेते हैं किसमें, इन टर्म ऑफ रेडियस। तो जो सबसे छोटा बेटा एटम है वो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की रेडियस जो है बेटा
वो 0.037 एलियम नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर मीन्स होता है बेटा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 है, 10^-9 मीटर। ये बेटा अब हम तो बता रहे बेटा बात पूरी नहीं की। अब ये कह रहा था बेटा कि पुरानेस एंड कॉन्सेप्ट दिया गया कि एटम्स क्या है, अनकट होते हैं, मीन्स इंडिविजुअल पार्टिकल है। लेकिन मॉडर्न स्टडीज बताती है बेटा कि एटम जो होते हैं ये खुद ही बेटा छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बेटा इससे पता चला फंडामेंटल पार्टिकल से बना, मीन्स अगर हम क्या करेंगे एटम को तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट फंडामेंटल पार्टिकल में क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो बेटा जो एटम्स होता है इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बेटा टू पार्टिकल होते हैं, दो टाइप के। एक तो देखिए बेटा परमानेंट पार्टिकल होता है, परमानेंट, और दूसरा होता है बेटा टेम्पोरेरी पार्टिकल्स। टेम्पोरेरी पार्टिकल्स तो हमें बेटा अभी यहां परमानेंट पार्टिकल्स में अभी आपको बता देता हूं, क्लास 9 में बेटा इन्हीं को पढ़ना होता है। परमानेंट पार्टिकल जो होते हैं बेटा उसमें आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सिंबल बेटा ई से दिखाते हैं। सेकंड बेटा प्रोटॉन पी, थर्ड वन इज द न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन की डिस्टर्बेंस होती है बेटा, दिस वाज दे वर डिस्टर्ब बाय द थॉमसन, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की बेटा डिस्कवरी का जो क्रेडिट दिया जाता है वो बेटा दिया जाता है किसको, रदरफोर्ड। लेकिन देखिए ऐसा एक्चुअली बेटा रदरफोर्ड को दिया जाता है, लेकिन आप अगर ल्यूसेंट की जीके उठाएगा, जीके की बुक बेटा, कुछ जगह यहां पे रदरफोर्ड की बजाय लिखा होता है चलिए जा रही। और न्यूट्रॉन चेडवी, ए प्रॉन जेरे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चेडवी। टेम्पोरेरी पार्टिकल में टेम्पोरेरी पार्टिकल होता है बेटा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसन। देखिए अभी बेटा आपको बताइए तो रदरफोर्ड लिखा जाता है, लेकिन कुछ आप क्या करोगे जीके की बुक वगैरह उठाओगे तो वहां पे लिखा होता है गोल्ड स्टील, वास्तव में बेटा ये क्या किए थे कि एक्चुअली ये बता नहीं पाए थे पूरा डिटेल, गोल्ड स्टील ही बताए थे। लेकिन बेटा क्या होता है कि क्रेडिट जो होता है वो रदरफोर्ड की मिल जाती है। नेक्स्ट तो ये बेटा हमारे पास क्या है, एटम सेटम किससे बनता है, कह सकते हैं टू टाइप के पार्टिकल्स, परमानेंट टेम्पोरी। ये बेटा टेम्पोरी पार्टिकल्स एक परमानेंट स्टेबल नहीं होते, ये खुद ही टूटते बनते रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ये टेम्पोरी पार्टिकल। परमानेंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कह सकते हैं बेटा अगर एटम्स को ब्रेक करेंगे तो क्या करेगा, इट विल ब्रेक इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इज इट क्लियर। अब देखिए एक टॉपिक और आपको बता देता हूं बेटा। हाँ तो बेटा हम पढ़ रहे थे एटम्स, बताए कि एटम दो टाइप के पार्टिकल्स है, परमानेंट टेम्पोरेरी पार्टिकल्स। परमानेंट पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। गोल्ड स्टील पर जाओ जो आपको आपके टेबल पे मिलेगा क्लास में, वो मिलेगा रदरफोर्ड, एंड न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, एंड टेम्पोरेरी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मेसन। याद अगर नहीं इच्छा हो तो नहीं बनता, कोई जरूरत नहीं टेम्पोरेरी पार्टिकल। अब बेटा ये क्या करते हैं कि अब तो हम पढ़ लिए एटम्स, अब फिर क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए बेटा आप सोचते हैं बेटा कि ये एटम्स जो होते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एटम्स बेटा कंबाइन करके क्या करते हैं बताए मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बेटा ये जो एलिमेंट्स है केमिस्ट्री में बेटा क्या करते हैं, आप जानते हो टिल नाउ द नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स इज
118 नोन एलिमेंट्स कितने हैं 118। अब बेटा हर एक एलिमेंट को का नाम याद करना बेटा इजी नहीं था, तो डाल्टन ने बेटा क्या किया, कुछ सिंबल दिया का हाइड्रोजन के लिए बेटा इस तरह से बना दिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। नेक्स्ट बेटा क्या किया, कार्बन कार्बन के लिए इन्होंने सिंबल दिया CrBOn कार्बन के लिए बेटा इन्होंने दिया पूरा इस तरह से गोला कर दिया, ये लिखा हो तो कार्बन माना जाएगा। लेकिन बेटा ऐसे ढेर सारे थे कंफ्यूज कर जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो मॉडर्न बेटा बर्जीलियस ने क्या किया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। बर्जीलियस ने कहा बेटा जो इंग्लिश नेम होगा उनका क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर अगर दो एलिमेंट का अगर फर्स्ट मैच करता रहेगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट का सेकेंड हम ले लेंगे सफिक्स सेकेंड लेटर। कुछ एलिमेंट्स के नेम बेटा उनके लैटिन ओरिजिन से ही ली गई। ये देखते हैं जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बेटा फर्स्ट लेटर क्या है H, इसका सिंबल ले लिया H। ये मॉडर्न बेटा सिंबल जो रिप्रेजेंटेशन है किसके द्वारा दिया गया आपको पता है, बर्जीलियस, बर्जीलियस। हीलियम, अब देखिए बेटा हाइड्रोजन ऑलरेडी एच हो चुका है, किसने सेकेंड लेटर ले ली एच। लिथियम, लिथियम एल आई। बेरिलियम बी, बोरॉन बी। ये क्या है, नेम ऑफ एलिमेंट एंड सिंबल एटॉमिक नंबर, ये भी लिख सकता हूं, यूज कर रहा हूं बेटा। आपको थ्री कॉलम बनाइए, फर्स्ट कॉलम बेटा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकेंड कॉलम बेटा नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, एंड थर्ड कॉलम बेटा सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। नेक्स्ट बेटा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या था हाइड्रोजन का, 1, हीलियम, 2, लिथियम, 3, बेरिलियम, 4, बोरॉन, 5। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कार्बन इसका फर्स्ट लेटर सी। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, इसका फर्स्ट लेटर एन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन इसका बेटा सिंबल हो। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 बेटा इसका सिंबल एम। एटॉमिक नंबर 10 नियॉन, इसका बेटा एन और ई, ये सिंबल इस तरह से लिए गए बेटा। दीज आर प्रपोज्ड बाय द बर्जीलियस। इतना तो ठीक हुआ, क्लियर हुआ, इतना क्रम याद कर लो क्या था, एच एच की ये लाइन थ्री है हेली, नेचुरल अलग से बता दो भाई याद करिए, ये सिंबल रहा बेटा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, टेंथ तक पढ़ ली बेटा, इलेवन एटॉमिक नंबर बेटा सोडियम। देखिए इसका लैटिन नेम नहीं, लैटिन नेम लिया बेटा, इंग्लिश नेम से नहीं लिया गया, इसका सिंबल Na है, Na मींस लैटिन वर्ड नाइट्रियम, NaTriTium सोडियम। 12 मैग्नीशियम, इसका बेटा सिंबल Mg। 13 एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम, Al। 14 सिलिकॉन, यस है। 15 फास्फोरस, P।
16 सल्फर, सिंबल यस, 17 क्लोरीन, सीएल, 18 आर्गन, सिंबल बेटा के आर, 19 पोटेशियम, पोटेशियम बेटा सिंबल पी नहीं, आप इसको बेटा फोकस कर लेते हैं, यहाँ पे सोडियम पे लैटिन नेम था लैटियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है बेटा कैलियम, सिंबल बेटा ऐसा क्या करते हैं के, लैटिन नेम कैलियम, लैटिन 20 आपका कैल्शियम सिंबल सी। तो आप देख लीजिए बेटा जो नेम है क्या है, किसी किसी एलिमेंट में फर्स्ट लेटर है, किसी में बेटा क्या है फर्स्ट और सेकंड लेटर है, कुछ के नाम कुछ एलिमेंट्स के नेम बेटा कहां से लेकर लैटिन ओरिजिन से, तो बेटा जिनके लैटिन नेम है उन्हें आप बता दो, बाकी की आपको समझ में आ गया एक बार देखिए तो आप जान जाएंगे, लग जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपको बताया बेटा लैटिन नेम, फर्स्ट आपको बताया बेटा सोडियम, सोडियम इसका लैटिन नेम क्या है बेटा बताया क्या, नाइट्रियम, सिंबल Na। सेकंड बताया बेटा पोटेशियम, लैटिन नेम कैलियम, सिंबल के, आयरन लैटिन नेम बेटा फेरम, सिंबल Fe, कॉपर लैटिन नेम क्यूप्रम, Cu, लेड लैटिन नेम प्लम्बम, प्लम्बम सिंबल बेटा Pb, प्लम्बम लेड का क्या है बेटा प्लम्बम Pb, मर्करी मर्करी, हाइड्रांजियम Hg, गोल्ड इसका लैटिन नेम बेटा आरम, Au, सिल्वर अर्जेंटम, Ag, टंगस्टन, वुल्फ्रैम सिंबल W, और बेटा ले डाला सिल्वर वुल्फ्रैम, ये कुछ और होंगे। इस बार बेटा आप देख लीजिए आपका फर्स्ट लेवल क्या हुआ, नेम लैटिन नेम ये क्या है सिंबल, नेम लैटिन नेम सिंबल, देखिए आपको छूटा होगा बेटा फिर से देख लेंगे, ये इन सबसे बेटा जो सिंबल लिए गए हैं इन एलिमेंट्स के, ये एलिमेंट्स हैं इनका सिंबल लैटिन नेम से, ये बेटा आपका एलिमेंट्स हैं इनका सिंबल बेटा लैटिन नेम से, क्योंकि लैटिन नेम जरूर याद रखना। इस तरह से बेटा हम फिर कल पढ़ेंगे ट्रिक्स टू लर्न एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस। थैंक यू।